Namaste, dear students and followers. Welcome to live sandeepmanandane.org. How are you? उम्मीद करता हूँ अभी तक के सारे सेशंस आपने बहुत अच्छे से पढ़े, समझे और रिवाइज भी कर लिए. It's time for us to begin a fresh series now. हम अब अगले चार सत्र जो लेंगे उनका टाइटल आप नोट कीजिए. I am starting a new series of the next four great thinkers of इंडिया, भारत के महान विचारक जिन्होंने अपने दिमाग की शक्ति से पूरे पूरे साम्राज्य खड़े कर दिए, एक्सेट्रा. द ग्रेट थिंकर्स ऑफ इंडिया, भारत के महान विचारक, और निश्चित तौर पर जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा रखी है, हम सबसे पहले उन्हें ही लेंगे. एनी गेसेस हम किन्हें लेने वाले हैं? निश्चित तौर पर जिनके कद के आसपास भी कोई नहीं आ सकता, कौटिल्य. हमारा पहला सेशन रहेगा ऑन द ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर कौटिल्य. जितना इनके बारे में पढ़ें और जिनका जितना इनके अर्थशास्त्र को पढ़ें उतना कम है. आइए शुरू करते हैं. एज ऑलवेज वी विल टेक अ क्विक रिकैप ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट. सबसे पहला चित्र देखिए, क्या दिख रहा है आपको? पूरे भारत के हिस्ट्री का स्नैपशॉट दिख रहा है. एंशियंट, क्लासिकल, अर्ली मीडियवल, लेट मीडियवल, अर्ली मॉडर्न, मॉडर्न, संपूर्ण दिख रहा है आपको. प्राचीन इतिहास, क्लासिकल इतिहास, प्रारंभिक मध्ययुगीन इतिहास, इस तरह से सारे ये हिस्से दिख रहे हैं. जब हम बात करते हैं कौटिल्य की, तो इस चित्र में या पूरी सीरीज में क्लासिकल पे अगर ध्यान लगाएंगे तो मौर्य साम्राज्य दिख रहा है ना भाई. चंद्रगुप्त मौर्य की बात की थी हमने, अशोक की भी बात की है. 322 to 180 BCE ये समय है जब हम कौटिल्य की बात करेंगे. ये है कौटिल्य का समय, इसलिए इस चार्ट को हम बार बार देखते हैं. दूसरा चित्र फिर से दिखाता हूं. दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द मौर्य एम्पायर. अपने चरम पर यह था मौर्य साम्राज्य. देख रहे हैं ना कहां से कहां तक और कहां से कहां तक फैला हुआ. जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले राजाओं का मौर्य साम्राज्य, जहां वैदिक प्रथाओं पर तो प्रतिबंध लगा दिया था अशोक ने. थोड़ा जूम इन करके दिखाते हैं. अलग अलग शहर अब आपको दिखेंगे इसमें. पाटलिपुत्र इसकी राजधानी आपको दिख रही है. आप जानते ही हैं साथियों, भारत के शहरों में सबसे प्राचीन 490 BCE में स्थापित है पाटलिपुत्र, आज का पटना. वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशनल सिटीज ऑफ इंडिया इज पाटलिपुत्र, जिसे उस वक्त पुष्पपुर भी कहते थे, पटना. और चाणक्य की कहानी में यह तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह धनानंद की राजधानी भी थी. अगले चित्र में द स्टोरी ऑफ द मौर्य डायनेस्टी. आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर रहा हूं. मैंने अशोक के सत्र में आपसे बात की थी. सारे राजाओं के नाम एक बार फिर से अच्छे से दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि चंद्रगुप्त की कहानी आज हम पढ़ेंगे चाणक्य के साथ, और बिंदुसार पर आके कहानी समाप्त हो जाएगी चाणक्य की. मृत्यु कैसे हुई वो भी देखेंगे. तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति, शलिशुक, देववर्मन, शत धनवन और बृहदरथ, ये कहानी है. जिसके बाद शुंग साम्राज्य शुरू होता है, क्योंकि इन्हीं के कमांडर शुंग ने अंतिम राजा बृहदरथ की हत्या कर दी थी गार्ड ऑफ ऑनर लेते समय. अशोक ने भी अपने कई भाइयों की हत्या की, तब जाके चार वर्षों का संघर्ष समाप्त हुआ और बिंदुसार के बाद अशोक के हाथ में सत्ता आई. वो सब हमने पढ़ लिया, तो इतिहास का रिविजन हो गया. आइए अब हम बात करें इसी फैमिली ट्री में सबसे पहले चंद्रगुप्त से. चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने ये पूरा साम्राज्य मौर्य डायनेस्टी का स्थापित किया, इन्हीं के गुरु थे चाणक्य या कौटिल्य, जिन्हें कभी कभी विष्णुगुप्त भी कह देते हैं. इनको लेके बहुत सारी बातें इतिहास में विद्यमान हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त को लेके, वो सब अभी हम देखेंगे. सो कौटिल्य was the one who created the Maurya dynasty by helping Chandragupta Maurya. And then that was because of the defeat of the Dhanananda dynasty. Robber turned kings, as the Nands were called. Pehle wo sab dakyat the, wahan se raja bane. Sounds familiar, huh? And then you had Bindusar, Chandragupta ke bete Bindusar. Bindusar ke ye chief advisor rahe, samajh mein aaya aapko? तो इसी फैमिली ट्री के कंटेक्स्ट में कौटिल्य हिस्टोरिकली कहां स्टैंड करते हैं वो हमने देखा. इनका असली काम तो अर्थशास्त्र आ रहे हैं उसके ऊपर. एक कदम आगे चलते हैं. आप चित्र देख रहे हैं, उनकी लंबी जटाएं भी आप देख रहे हैं, और वो फेमस कहानी कि उन्होंने गांठ बांध ली और गांठ खोल ली. खैर वो बहुत छोटे छोटे हिस्टोरिकल
कथाएं हैं, सच भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, बिकॉज एज द सेंचुरीज पास बाय न्यू स्टोरीज गेट एडेड. सो कौटिल्य वॉज ऑल्सो कॉल्ड चाणक्य और विष्णुगुप्त एंड द पायोनियर ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड पोलिटिकल साइंस इन इंडिया. 1909 तक, इनफैक्ट 1905 में जब पहली बार इनके सारे वर्क्स रीडिस्कवर हुए रुद्रपट्टण श्यामा शास्त्री के द्वारा ओरिएंटल लाइब्रेरी मैसूर में, तब तक भारत में ये माना जाता था कि स्टेट क्राफ्ट तो भारतीयों ने ग्रीकों से सीखा हुआ, यूनानियों से. द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू डिस्पैरेजिंगली से, ब्रिटिश जिन्होंने हम पे 150 साल हंटर मार मार के राज किया, कि तुम मूर्ख भारतीयों को क्या पता राज्य कला क्या होती है. अरे अंग्रेजों, जब तुम बिना कपड़ों के आग के आसपास घूमते थे ना बच्चे, तब हमारे यहाँ पूरे साम्राज्य बन चुके थे, तो अपना मुंह बंद ही रखो. ये उन्हें कहा रुद्रपट्टन श्यामा शास्त्री ने, जिन्होंने खोज निकाली ये सारी पांडुलिपियां और ट्रांसलेट करके बताया कि ये है अर्थशास्त्र. सो द फाउंडर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड स्टेट क्राफ्ट इन इंडिया थ्रू अर्थशास्त्र डॉक्यूमेंट इज कौटिल्य और चाणक्य. ये समझ में आया? निकोलो मैकियावेली इटली के बड़े थिंकर हुए 16वीं-17वीं शताब्दी के. कई बार कहते हैं चाणक्य इज द निकोलो मैकियावेली ऑफ द ईस्ट. इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है ज्ञान के साथ. निकोलो मैकियावेली इज अ वेरी माइनर वर्जन ऑफ चाणक्य. वो चाणक्य ऑफ द वेस्ट कहलाए जा सकते हैं. चाणक्य को मैकियावेली ऑफ द ईस्ट कहना ज्ञान की देवी का ही अपमान है, मत करो ऐसा. ओके, तो चाणक्य को हमने कहा विष्णुगुप्त, या कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा, और द फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट एंड ऑल. ये पता कैसे चला? जब अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों का पूरा ट्रांसलेशन हुआ संस्कृत से, तब मालूम चला कि उसमें तो चैप्टर वाइज पूरी कहानियां दी हुई हैं. मेरे पास उसकी कॉपी है, जब मैं उसको रेफर करता हूं तो बात समझ में आती है. ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ फिलोसोफर, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, ही वॉज एवरीथिंग. ही वॉज अ टीचर टू चंद्रगुप्त मौर्य. उसकी पूरी शिक्षण एक छोटे बच्चे से लेके बड़े होने तक की, जिसको लेके चार अलग अलग कहानियां हैं. इतिहास में यही होता है, तो हम एक ब्रॉड मोटी मोटी कहानी पकड़ के चलेंगे. ही वॉज अ फिलोसोफर, क्योंकि उनकी सारी बातें फिलोसफी के डोमेन में आती हैं. एंड ऑफ कोर्स ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, किस तरह से राज्य को चलना है अर्थ के रूप में, वो उन्होंने सब बताया. लेकिन 6वीं से 10वीं सदी के बीच, 6th century कॉमन एरा ईसा पश्चात से 10th century ईसा पश्चात तक, अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज धीरे 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 धूल में सन गए, सब गायब हो गए इतिहास से. ऐसा ही होता है साथियों, यही दुनिया है. बौद्ध धर्म के 4 सत्र पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा, दुख अनंत अनित्य, यही इतिहास है. लेकिन फिर देखिए काल चक्र फिर से घूम के कहां लेकर आ गया हमको. अब एक स्टेप और आगे चलते हैं. हमें इनके बारे में पता कैसे चला है? अरे बाप रे, इतने सारे डॉक्यूमेंट जी. हाउ डू वी नो अबाउट दिस जेंटलमैन कॉल्ड कौटिल्य? इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शायद ही वॉजंट वन पर्सन, मेनी पर्सन टूगेदर आर रेफर टू एस कौटिल्य. नाउ वी वुड नेवर नो दैट, इट डजेंट मैटर इवन. देर इज अ बुद्धिस्ट वर्जन, देर इज अ जैन वर्जन, देर इज अ कश्मीरी वर्जन, एंड देर इज विशाखा दत्त वर्जन. ये 4 वर्जन्स की कहानियों में पता चलता है कौटिल्य नामक व्यक्ति के बारे में. सबसे पहले बात करें बुद्धिस्ट वर्जन. देखिए बुद्धिस्ट वर्जन में, जैसा कि आप जानते हैं, सीलोन में, यानी कि जो आज का श्रीलंका है, बौद्ध धर्म की पूरी कहानियां पाली भाषा में लिखी हुई मिली हैं. उसमें जो दूसरा दस्तावेज है महावंश, आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर महावंश, इसमें जो सीलोन में लिखा गया 5th century AD में, 5वीं सदी AD में जो श्रीलंका में लिखा गया पाली भाषा में महावंश, और उसके बाद जो उस पर कॉमेंट्री लिखी गई है, कॉमेंट्री इतिहास में बड़ी पॉपुलर होती हैं, वाम सत्तपकशनी, ये उसकी कॉमेंट्री है महावंश की. इसमें कौटिल्य, चंद्रगुप्त, बिंदुसार के बारे में विस्तार से कहानी आती है. सो दिस महावंश इज अ महाकाव्य, जो आपने स्क्रीन पर देखा. तो ये पहला रेफरेंस से समझ में आ गया, पता कहां से चला कौटिल्य के बारे में. 3 वर्जन और हैं. देखिए उस वक्त भारत में प्रचलित धर्म में बौद्ध धर्म और जैन धर्म था. तो अब जैन वर्जन पर आते हैं. आई होप यू रियलाइज दैट इन द अर्लियर सेंचुरीज वी हैड जैन एंड बौद्ध एज द मेन रिलीजन, द जैन रिलीजन एंड द बुद्धिस्ट रिलीजन. परिशिष्ट पर्वण बाय हेमचंद्र इज अ महाकाव्य इन संस्कृत ऑफ द 12th century स्पीकिंग ऑफ कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त. ये दूसरा सबूत है. बट द स्टोरीज डिफर.
That doesn't matter. Broad story remains the same. Dhananand, the villain, remains the same. Or kya chahiye? Hero or villain same hai. Baaki beech ke to villain the blank hota hai bhaiya. Kashmiri version, Katha Sarit Sagar. 11th sadi ke ek Shaiv, yani Shiv ji ko manne wale, bam bole. Som Dev naam ke ek Shaiv vyakti ka likha hua Katha Sarit Sagar. Aur Gunadhya ka likha hua Brahat Katha Manjari. हजारों हजारों कहानियों का संकलन, बहुत ही खूबसूरत कहानियां जो संस्कृत श्लोकों के रूप में लिखी गई 6वीं सदी. इन सब में कौटिल्य और चंद्रगुप्त की कहानी मिलती है. हेंस वी नो दैट दिस इज अ ट्रू स्टोरी एंड देन द वर्क डन बाय रुद्रपट्टन श्यामा शास्त्री ऑफ मैसूर फाइनली पुट द सील ऑन इट. और फाइनली विशाख दत्त का मुद्र राक्षस संस्कृत प्ले 4th सदी का आप देख रहे हैं. सीधे सीधे 1500 से 2000 सालों के बीच की कहानियां सामने आ गई. ये हिस्टोरिकल नाम और ये सब आपने नोट कर लिए, इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिएगा, हर जगह आपको काम आएगा. आइए अगले बिंदु पर चलते हैं. कुछ दावे ये भी हैं कि कौटिल्य मे बी दी गोत्र ऑफ चाणक्य. अब बहुत सारे दावे हैं. एक दावा है कि कौटिल्य जो शब्द है वो दरअसल चाणक्य नामक व्यक्ति का गोत्र रहा होगा. ठीक है, हो सकता है. और 3rd सदी ईसा पूर्व में एक और बहुत शानदार डॉक्यूमेंट लिखा गया था. आपने विष्णु शर्मा जी के पंचतंत्र के बारे में सुना है कि नहीं? तो विष्णु शर्मा जी ने जो पंचतंत्र लिखा था, दैट वॉज इन दी 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, उसमें चंद्रगुप्त और कौटिल्य का बिल्कुल क्लियर वर्जन मिलता है. लेकिन चाणक्य को वहां पर विष्णुगुप्त के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है. अब स्टोरी की बात करते हैं. ये पूरी स्टोरी जो हमने दीप वंश की बात की, देखिए श्रीलंका में दीप वंश सबसे पहला बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट है. उसमें कोई मेंशन नहीं है चाणक्य और चंद्रगुप्त का. वेरी इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट. तो श्रीलंका के राजाओं द्वारा रचित बौद्ध धर्म की कहानी जो पाली भाषा में है, दीप वंश विच इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, डज नॉट मेंशन अबाउट चंद्रगुप्त चाणक्य, बट महावंश डज. तो महावंश से हमने निकाला, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था. श्रीलंका की 4 दस्तावेजों में कहानी है. ऐतिहासिक पूरी की श्रीलंका आइलैंड है क्या? हालांकि वो 6.5 करोड़ साल पहले नहीं गए जहां श्रीलंका भारत के साथ साथ टैग अलोंग होकर पूरा सदर्न ओशन से निकलकर आके लॉरेशिया में टकराया था. दैट इज जियोलॉजी, उसका अभी 20वीं सदी में ही पता चला. तो दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, तीसरा होता है चूल वंश और चौथा होता है राजवेलिया. राजवेलिया यानी राजाओं की सूची. सोचिए इतिहास की कैसी कैसी कहानियां सामने आ रही हैं. आपको मजा तो आ रहा है ना? अब हम बुद्धिस्ट वर्जन देखते हैं. अब चाणक्य की कहानी सुनने का समय आ गया. अरे बड़ी मजेदार कहानी है दोस्तों चाणक्य की कहानी. तो सबसे पहले नंद साम्राज्य दिखाऊं आपको. भारत में नंद साम्राज्य कहां तक था, यह रहा. यह है नंद साम्राज्य 325 ईसा पूर्व का. इसका नाश करके ही चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य बना पाया था. और वो करने के लिए चाणक्य का सारा मदद थी. लेकिन बहुत मार भी खाई इन्होंने उसमें. बड़े काम मार खाए बिना होते नहीं है दोस्तों. तो आपने देखा यह है नंद साम्राज्य. द नंद किंग्स वर बेसिकली रॉबर्स टर्न्ड रूलर्स, डकैत जो राजा बन गए. एंड दे वर ऑलवेज रिवाइल्ड बाय देयर मासेस. उनकी जनता उनसे नफरत करती थी. टैक्स का रेट एक्सटॉर्शनेट था. अरे दैट साउंड्स फेमिलियर. सो देयर टैक्स रेट्स वर वेरी वेरी एक्सटॉर्शनेट इन नेचर एंड द पीपल यूज टू हेट दीज रूलर्स. नंद लोगों के बारे में यूनानी दस्तावेजों में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं. इनफैक्ट जब आप इतिहास के ये चैप्टर सारे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ग्रीक टू इंडिया तो मानो एक ही सभ्यता चल रही थी. सो दैट्स अ पॉइंट टू बी मेड. थोड़ी देर बाद हम अलेक्जेंडर का भी रेफरेंस लेंगे. अलेक्जेंडर की मौत के 2 साल के बाद मौर्य साम्राज्य चालू हो चुका था. तो 323 और 321 BC. तो ये रॉबर्ट टर्न रूलर्स थे, ये क्लियर हो गया आपको. चाणक्य जी तक्षशिला से आए थे और चाणक्य जो थे उन्हें 3 वेदों का संपूर्ण ज्ञान था. तो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन दिखने में बड़े अगली थे, वो दिखने में सुंदर नहीं थे. इसकी बहुत सारी कहानियां हैं. ऐसा कहते हैं कि उनके जो दांत थे ये कैनाइन शेप के थे, तीखे दांत. और तब माना जाता था कि कैनाइन शेप टीथ पीपल विद कैनाइन शेप टीथ वुड बिकम किंग्स. एंड द मदर वॉज सो अपसेट दैट दिस बॉय विल फॉरगेट मी वंस ही बिकम्स अ किंग, कि चाणक्य से कौटिल्य से अपनी माँ का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने खुद अपने तीखे वाले दांत तोड़कर अलग कर दिए, जिससे उनकी पूरी आकृति बिगड़ गई और उनके पैर भी टेढ़े मेढ़े थे.
So overall appearance was not very beautiful. In fact, it was positively ugly. अब ये दांत उन्होंने माँ के लिए इस प्रकार से तोड़े या कोई इस पे तीन चार अलग अलग कहानियां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बड़ी बात यह है कि वो अगली थे. एन धन नंद ऑर्गेनाइज एन आर्म्स गिविंग फंक्शन एट पुष्पपुर, यानी कि पाटलिपुत्र, यानी कि पटना. तो जैसे मैंने कहा 490 ईसा पूर्व से पटना एक कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी रहा है, तो भारत का गौरव है पटना शहर. और हमारे यहाँ इन कथाओं को इस गौरवशाली ढंग से अगर बच्चों को बताया जाए तो भारत के इतिहास को लोग बहुत अलग ढंग से भी देख सकते हैं. खैर, कोशिश हो ही रही है, ये एक छोटी सी कोशिश है ही. एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने साथियों को भी live.sandeepmanudhane.org के साथ जोड़ें. और कुछ ही दिनों में हमारी ये फ्री एनरोलमेंट की प्रोसेस बंद हो जाएगी. सो मेक श्योर दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ इट इन द लिमिटेड टाइम दैट इज अवेलेबल राइट नाउ. तो यहां तक हम आ गए. धनानंद साहब ने पुष्पपुर में आर्म्स गिविंग, यानी ब्राह्मणों को दान दूंगा वगैरह सारी कहानी की. तो ये गए वहां पे जनाब कौटिल्य, लेकिन द किंग वॉज डिसगस्टेड बाय हिज लुक्स एंड ही वॉज थ्रोन आउट. तो ये कहानी कहती है कि उनको देखकर ही राजा को इतना क्रोध आया. कुछ कहानियां कहती उन्होंने राजा को ये ऑफर दिया कि मैं आपका मेन एडवाइजर बनूंगा, अलग अलग कहानी. मोटी मोटी बात यह कि राजा ने उठा के बाहर फेंक दिया. इनका दिमाग इतना बुरी तरह से खराब हुआ कि उन्होंने वहीं राजा को श्राप दिया. तो राजा ने सैनिकों को बोला पकड़ के इसे मारो. तो ये भाग खड़े हुए और भागते भागते रूप बदल लिया. शिवाजी ने भी बहुत कुछ ऐसे ही किया था. 17वीं सदी में शिवाजी पर भी बात हम कर चुके हैं. जय भवानी, जय शिवाजी. आजीविक का रूप धारण कर लिया. ये आजीविक भी बहुत गजब का पंथ रहा है भारतीय नास्तिक परंपरा का. आजीविक श्रवण परंपरा से निकले बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक जिन्हें इंग्लिश में आजीविकास भी कहते हैं. ये चित्र में आप देख रहे हैं आजीविक. जो ये आजीविक हैं, ये आजीविक हैं कौन, समझिए. देखिए, आजीविक वो हैं जो हिंदुओं का विरोध करते थे, एंड दे बिलोंग टू द नास्तिक स्कूल ऑफ श्रमणिक थॉट. आजीविक बेसिकली श्रमण मूवमेंट से निकले जैसे मैंने कहा, एंड दे बिलोंग टू द फेट स्कूल ऑफ डिटर्मिनिज्म. यानी ये सब पहले से तय है, आप कुछ भी करें उससे कुछ होगा नहीं, सब कुछ पहले से तय है, फेटलिज्म. बट उससे भी गहरी एक बात बताऊंगा, आपके थोड़े रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं. द आजीविक्स जस्ट लाइक पाणिनी, नॉट पाणिनी, जस्ट लाइक कनाड हैड स्पोकन अबाउट. कनाड ने वैशेषिक स्कूल दिया था लॉजिक का, आजीविकों ने एटम्स की बात की थी. क्या कहा था पता है? अणु कहते थे उसको या कण कहते थे. ऑल ऑफ अस आर मेड अप ऑफ एटम्स, दिस ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट, एंड द मूवमेंट ऑफ एटम्स इज प्रीडेस्टिन्ड. And all the laws have been applied to the atom. So no matter what you do now, you cannot really change destiny, atoms. So you have two historical proofs that Indians spoke of atoms. But modern science literature speaks only of Democritus as talking about atom. जो कि थोड़ा सा गड़बड़ है. इनको भी क्रेडिट आजीविकों को और ऋषि कनाड को जाना चाहिए. तो ये एटम की बात हुई. बराबर गुफाओं के बारे में सुना है आपने, ये रही बराबर गुफा. बराबर गुफाओं में आजीविक रहते थे. ये गुफा राजाओं ने इन्हें दी थी, दान की थी, और यहां अनेक वर्षों तक आजीविक रहे. मैंने आपको बराबर गुफा दिखाई, लोमस ऋषि की गुफा. देखा आपने, यह है लोमस ऋषि की गुफा. मजा आया? ये कहानी कैसे निकल कर आती है, आजीविक बने और आजीविकों से हमने बराबर केव्स की बात कर ली. ये बिहार में ही है बराबर केव्स. अब आगे वापस आ जाओ भाई कौटिल्य पे, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई बाकी है, बोर तो नहीं हो रहे हो? तो कौटिल्य एस्केप टू द विंध्य पर्वत. तब नाम भी अलग था विंध्य पर्वत का. वाई डिड ही एस्केप? धनानंद के सैनिक पीछे पीछे आ रहे थे ना, और जब वो विंध्य पर्वतों में पहुंचे, वहां उन्होंने अपनी एल्केमी के विज्ञान से, धातु विज्ञान से, सोने के सिक्कों का भंडार खड़ा कर लिया. कहानी ये कहती है इन सोने के सिक्कों को कहते हैं, लाखों सोने के सिक्के बना डाले उन्होंने यहां. इन्हें कहा जाता है कारशापण. आपको मैं चित्र दिखा रहा हूं, ये 4th-5th century BC के भारत के सिक्के हैं, आज से 2500 साल पहले की मुद्राएं. इन मेटेलिक सिक्कों पे, ये सोने के नहीं है,
चाणक्य ने, कौटिल्य ने तो सोने के सिक्के बना डाले विंध्य पर्वत में, ऐसी कहानी है, जिससे बाद में पूरी सेना खरीद उनको पैसा दे देके लोगों को जोड़ा। ये जो आप अभी स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं कारशापण, ये मेटेलिक कॉइन्स हैं विथ वेरियस सिंबल, और इस पर माइक्रो इंग्रेविंग भी मिलती है, एंड इट्स वैल्यू वॉज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द मैन, क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैन होल्डिंग दीज कॉइन, समझ रहे हैं। तो तब जो व्यापार वगैरह होता था कारशापणों पे से होता था। अब आपके रोंगटे थोड़े से और खड़े कर दो, कारशापण से अंग्रेजी में एक शब्द निकला है भैया, कारशापण से, ये हिंदी, ये संस्कृत शब्द है कारशापण, यानी कॉइन्स। द इंग्लिश वर्ड कैश कम्स फ्रॉम कारशापण। मजा आया हाँ, बस ऐसे ही मजे आते रहेंगे, चिंता ही मत कीजिए। अब चंद्रगुप्त की कहानी सुनिए। तो कौटिल्य ने सारे सिक्के बना लिए, अब उसे बस अपना एक सक्सेसर चाहिए था। ही जस्ट वॉन्टेड वन, नॉट सक्सेसर, अ ट्रेनी, जिसको वो ट्रेन करके धन नंद का बंटाधार कर डाले। इस कहानी में छोटा सा पेच और है कि ये करने से पहले कौटिल्य ने धन नंद के बेटे को भी अपनी बातों में फंसा लिया था, और वो उस पर भी नजर रखे था कि आई कैन यूज दिस सन टू मर्डर धन नंद। सो दैट इज वन पैरेलल स्टोरी। अब आते हैं चंद्रगुप्त की कहानी पे। तो एक दिन ये गुजर रहे थे किसी गांव से, वहां उन्होंने बच्चों को खेलते देखा, और बच्चों में एक बीच में ऐसा राजा बन के बैठा था, इसे पेश करो, उसे पेश करो, तूने अपराध किया है, इसके हाथ पांव काट दो, चलो मैं राजा हूं, मैं हाथ पांव जोड़ देता हूं। जब चंद्रगुप्त मौर्य, तब तो वो चंद्रगुप्त बच्चा था, जब चंद्रगुप्त को कौटिल्य ने देखा कि ये इस तरह की माइंडसेट वाला व्यक्ति है, ही आइडेंटिफाइड द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, एंड चंद्रगुप्त वॉज टेकन बाय कौटिल्य अंडर हिज पर्सनल ट्यूटेलेज। ये समझ में आया आपको? 7 सालों तक चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग देकर राजा बनने के लिए तैयार किया गया, और उन कारशापणों के सिक्कों से कौटिल्य ने पूरी सेना खड़ी कर ली, और चंद्रगुप्त ने उस सेना को लीड किया, और ये सीधे जाके घुस गए धन नंद की राजधानी में, और पूरी तरह से मार खा के लौट के बुद्धू घर को आए, हार गए, सेना का कबाड़ा हो गया, और ये दोनों को भेष बदल कर भागना पड़ा। ये चाणक्य के जीवन का एक बहुत ही दुखद पहलू रहा, पूरा का पूरा एफर्ट फेल, और धन नंद मुस्कुरा रहा था कि देखो मूर्ख को। जब ये गांव से गुजर रहे थे, वहां एक माता अपने बेटे को डांट रही थी, ध्यान से सुनना। अ मदर वॉज स्कोल्डिंग हर सन व्हेन दीज टू डिफीटेड कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त पास बाय। द मदर वॉज टेलिंग द सन, वाई डिड यू पुट योर फिंगर इन द हॉट मिडल ऑफ दिस केक, यू शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द पेरीफरी ऑफ द केक फर्स्ट एंड स्लोली मूव टूवर्ड द सेंटर। इस गर्म केक, जो भी खाने का पदार्थ बनाया होगा, को मूर्ख बच्चे अपने बेटे को मार डांट रही थी, तूने सीधे बीच में हाथ डाल के खाना शुरू किया, सारे हाथ जल गए ना। अरे बाहर से खाना शुरू करते धीरे धीरे, तू भी ना चंद्रगुप्त के जैसे मूर्ख निकला। सोचिए क्या दिलों पे खंजर चल गए होंगे चंद्रगुप्त और कौटिल्य के। तब कौटिल्य और चंद्रगुप्त मुस्कुराए, और उन्होंने कहा कि आज तो बहुत बड़ा सबक, हम तथा कथित सबक देने वालों को मिल गया। दे स्टार्टेड अटैकिंग द बॉर्डर विलेजेस ऑफ द धन नंद टेरिटरी। तो पूरे नंद साम्राज्य के जो बॉर्डर विलेजेस थे, एक 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 करके उनको तोड़ना शुरू किया, उन्हें वो आसानी से तोड़ पाए सिवाय 2-3 जगहों के, और फाइनली जब आसपास का सब जीत लिया, तो जाके सीधे पाटलिपुत्र पे हमला करके पटना को जीत लिया। और ये करने के बाद फाइनली चंद्रगुप्त वॉज अनॉइंटेड, राज्याभिषेक कर दिया गया बाय कौटिल्य एज द किंग ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, कैपिटल पाटलिपुत्र, प्रोविंशियल कैपिटल उज्जैन। और यह हुआ 321 BC में। 323 में अलेक्जेंडर का देहांत अपने ही देश में हो चुका था। क्या यह दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हैं? नहीं, देर इज नो कनेक्शन बिटवीन चाणक्य एंड अलेक्जेंडर डायरेक्टली। Although some historical accounts say that one of the motivations for Kautilya might have been all these Greeks coming down and swooping down, लेकिन उन ग्रीस के दांत खट्टे करने का काम तो पोरस बहुत पहले कर चुके थे, हालांकि पोरस हार गए थे, that is for some time else, उस पर हम बात कभी और करेंगे। समझ में आया आपको? उसी तरह जो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी है ना, उस पूरे अर्थशास्त्र पर मैं अपना complete analysis की सीरीज
अलग से शुरू करने वाला हूं. दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट सीरीज, पेज बाय पेज द कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ अर्थशास्त्र. एनीवे, वो एक अलग बात हो गई. तो अब चाणक्य के अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति की बात करें तो ये साम्राज्य बन गया. ठीक है, फिर इनके बेटे बिंदुसार के भी प्राइम मिनिस्टर रहे, वो सारी कहानी अलग है. बिंदु नाम इसलिए क्योंकि जब वो पैदा हुए तो उनके शरीर पे बिंदु बिंदु थे, क्योंकि वो गोट के पेट में रखा, क्योंकि उनकी माँ की मृत्यु. बहुत मजेदार कहानियां होती, इनमें से बहुत सारी कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं. इतिहास पढ़ते वक्त इस बात को कभी भूलिएगा मत. अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर साथियों द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अर्थशास्त्र. ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए इसे. वो एक टीवी सीरियल आता है ना भैया, ध्यान से देखिए, वैसे ही हो गया कुछ कुछ. आपको इसके सारे के सारे चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं. ये हैं इसके चैप्टर्स. सबसे पहले राजा, सेनापति, नागरिक, मंत्री, ये सारे जो टाइटल्स इन्होंने दिए हैं. समनिधत्र, अंतपाल, दवारिक, पुरोहित, प्रशास्त्र, उपायुक्त, शून्यपाल, ये सब अलग अलग. और आगे युवराज, परिषद वगैरह वगैरह, ये सब टाइटल्स अर्थशास्त्र में दिए हुए हैं. सोचिए कितनी बारीकी से कौटिल्य ने तब सोचा था. देख रहे हैं ना, 15 चैप्टर्स देखेंगे आप. दैट इज वाई अर्थशास्त्र इज कॉल्ड अ ट्रीटीज ऑफ कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टेट मैनेजमेंट एंड पॉलिटिक्स मैनेजमेंट एंड आर्मी मैनेजमेंट, इट्स अबाउट लाइफ मैनेजमेंट. ये कहा गया है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स. इसमें पता है उन्होंने, मेरे पास तो है अर्थशास्त्र, पढ़ा है मैंने, एक एक स्टेप बताया है कि सुपरिंटेंडेंट की कितनी श्रेणियां होंगी, अधीक्षकों की, कौन क्या करेगा, इन्होंने करप्शन किया तो सजा क्या होगी, कैसे कलेक्शन आए, एवरीथिंग. जीएसटी लॉन्च करने के पहले यार इसको ही पढ़ लेते यार भाई, क्या कर दिया. जस्ट किडिंग. ऑन जस्टिसेस, इरेडिकेशन ऑफ थॉर्न्स, जो राजा के रास्ते में काटा बने. कौटिल्य वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एंड इट इज सेड दैट इन हिज ओन लाइफ ही माइट हैव किल्ड मेनी एज पार्ट ऑफ द ड्यूटी. बहुत रोचक कहानियां हैं इसके अंदर, बहुत ही रोचक. जब वो भाग रहे थे तब धननंद का सैनिक पीछे पीछे आ रहा था, तो इसने, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को बोला तू पानी में उतर, और ये पास में साधु बन के बैठ गया. जब वो आया सैनिक, उसने बोला साधु महाराज चंद्रगुप्त को देखा है, तो जाते हुए देखा है, तो उन्होंने कहा हाँ वो तो पानी में छुपा है. तो सैनिक ने कपड़े उतारे, तलवार रखी और पानी की तरफ बढ़ा. कौटिल्य ने तलवार से उसका सर वहीं कलम कर दिया. उसके बाद चंद्रगुप्त जब पानी से निकला तो कौटिल्य ने एक सवाल पूछा, जब मैंने इसे बताया कि तुम पानी में थे उस वक्त तुम्हारे मन में क्या था. उस पर चंद्रगुप्त ने जवाब दिया, मुझे पता था आप जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं. उस दिन कौटिल्य को यह फिर से यकीन हुआ कि मैंने सही लड़के को चुना है. आपने देखा एक मास्टर और टीचर जो एक बड़ा एम्पायर बनाने जा रहे हैं, उनके बीच कैसा 100% का ट्रस्ट होना चाहिए. बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं ये, एंड इसमें मैनेजमेंट के बहुत डीप लेसन हैं. फिर से चित्र पर आते हैं. और एडिकेशन ऑफ थॉर्न, चौथा चैप्टर, ऑन सीक्रेट कॉन्डक्ट, बेसिस ऑफ द सर्कल, ऑन द सिक्स फोल्ड स्ट्रेटजी, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कैलामिटीज, एक्टिविटी ऑफ अ किंग प्रिपेयरिंग टू मार्च इनटू बैटल, ऑन वॉर, कंडक्ट टुवर्ड्स कॉन्फेडरेसीज, ऑन द वीकर किंग, मींस ऑफ कैप्चरिंग अ फोर्ट, ऑन एसोटेरिक प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ साइंटिफिक ट्रीटीज. समझ में आया आपको, ये 15 चैप्टर्स हैं. अरे ये अगर हमारे आज के स्कूलों में पढ़ा दिया जाए ना तो भारत कहां से कहां निकल जाए. लेकिन हमें इसके सब अपभ्रंशित पश्चिमी दस्तावेज पढ़ाए जाते हैं. वी आर टॉट एक्सट्रीमली लो ग्रेड एबरेशन से भरे हुए वेस्टर्न डॉक्यूमेंट, जिन्हें पढ़ के हम सर पे रखकर लॉन्ग लिव ब्रितानिया करते रहते हैं. अरे बड़ी शर्म की बात है रे, भारी वतन हो गया हमारा. एनीवे, तो अगला चित्र दिखाता हूं मैं आपको. ये मैंने आपको इसका पूरा ढांचा बताना आवश्यक समझा, इसलिए शास्त्र में अर्थशास्त्र कहां आता है आप देख लीजिए. उसके अलावा आपको शास्त्र विचार बेसिकली रूल्स, शास्त्र आर नथिंग बट रूल्स, धर्म शास्त्र, अर्थ शास्त्र, काम सूत्र, द रूल ऑफ मेकिंग लव, अनबिलीवेबल, ब्रह्म सूत्र, सांख्य सूत्र, मीमांसा सूत्र, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, ये कनाड, योग सूत्र, प्रमाण सूत्र, ये जो पढ़ ले तो भारत की गहराई और भारतीय विद्वानों की सोच को लेके कोई संदेह नहीं बचेगा. पर्सनली आई फील दैट आर एंसेस्टर्स, इंडियन एंसेस्टर्स हैव बीन सम ऑफ द ब्राइटेस्ट पीपल अराउंड. हिस्ट्री डिडंट डू जस्टिस, बट दैट्स अ सेपरेट इशू. उसमें भी गलती हमारी रही होगी. तो अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति दो चीजें. चाणक्य नीति इज अ कलेक्शन ऑफ एफोरिजम्स, यानी सबसे सुंदर पंक्तियों का जो संग्रह है वो चाणक्य नीति है. अर्थशास्त्र पे दो तीन आप पॉइंट लिख लें, जिसके बाद में चाणक्य नीति के तीन चार आपको चित्र दिखाकर आज के सेशन को समाप्त करता हूं. अर्थशास्त्र, संस्कृत ट्रीटीज रिटन इन एंशंट इंडिया, संस्कृत में लिखा हुआ
प्राचीन भारत का एक शास्त्र बेस्ड ऑन, जिसमें नंबर वन स्टेटक्राफ्ट, राज्य कला, नंबर टू इकोनॉमिक पॉलिसी, अर्थनीति, नंबर थ्री मिलिट्री स्ट्रेटजी, सैन्य रणनीति पर बात हुई है. इट वॉज डिस्कवर्ड इन द 20th century बाय रुद्र पट्टण श्यामा शास्त्री. इसे 20वीं सदी में, तब तक तो लोग बीच में पूरा भूल गए थे 1000 साल, और अंग्रेज आके हमको मूर्ख ये ज्ञान देते थे, हाँ तुम हिंदुस्तानी, यू ब्लडी इंडियंस, व्हाट हैव यू लर्न, यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द ग्रीक साइड, तुम स्लेव का स्लेव ही रहेगा. बेटा 1000 शहरों का फिर इंडस वैली निकला ना, और फिर अर्थशास्त्र आया ना. दुख की बात यह है कि अंग्रेज जो हमें गुलामी की मानसिकता देकर गए, हम आज तक उससे बाहर कहाँ आ पाए. दिस इज द लास्टिंग फेलियर ऑफ इंडिया. एनीवे, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रुद्र पट्टन श्यामा शास्त्री. तो ये ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर के लाइब्रेरियन थे, और उनको किसी और पंडित ने सैकड़ों साल पुरानी पांडुलिपियां ला के दी थी. तो जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया, इनकी आंखें फट गई, और उन्होंने कहा कि इतना ज्ञान. तो उन्होंने कई सालों में ट्रांसलेट करके अर्थशास्त्र को 1905 में, जो उनको इन हीप ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियों में मिला था, वो ट्रांसलेट करके छपवाया. द ब्रिटिशर्स वर शॉक्ड एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड वर शॉक्ड. और एक वेस्टर्न साइंटिस्ट ने, एक वेस्टर्न सोशल साइंटिस्ट ने ये कहा, थिंकर ने कहा कि आफ्टर आई हैव रेड अर्थशास्त्र, आई थिंक निकोलो मैकियावेली'स वर्क द प्रिंस इज प्रीटी हार्मलेस. यानी वो कुछ है ही नहीं इसके आगे. तो ये एक लैंडमार्क इवेंट है, इसकी रीडिस्कवरी. ये बना वो तो लैंडमार्क इवेंट रहा ही मौर्य डायनेस्टी, बौद्धों और जैनों की जो इन्फ्लुएंस थे, लेकिन आज उसका डिस्कवर होना बिकॉज ब्रिटिशर्स स्टार्टेड लुकिंग एट इंडिया विद अ वेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव. ये बातें हमें बहुत कम बताई जाती हैं. तो बेसिकली अर्थशास्त्र इज एवरीथिंग विच इज नीडेड टू रन अ सोसाइटी. आइए कुछ चित्र देखते हैं अर्थशास्त्र में क्या बढ़िया बढ़िया बातें की गई. सबसे पहला आप देख रहे हैं सुखस्य मूलम धर्मम. काश आज के भारत में ये फॉलो होता. सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिया जयस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा. तो सबसे पहला है सुखस्य मूलम धर्मम, धर्म. दैट मीन्स यू वॉन्ट हैप्पीनेस, फॉलो धर्म. अब धर्म की डेफिनेशन बुद्धि धर्म के पहले सत्र में मैंने आपको दी थी, द राइट कंडक्ट. धर्मस्य मूलम अर्थ, उसके लिए यू नीड अ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमिक सिस्टम. इफ योर इकोनॉमी इज शैटर्ड, एवरीथिंग एल्स विल बी शैटर्ड. अर्थस्य मूलम राज्य, सो इफ यू वॉन्ट अ गुड इकोनॉमी यू शुड हैव गुड गवर्नेंस. इन सबको आप आज की दुनिया पे लगा के देखो. राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, दैट मीन्स इनर रिस्ट्रेंट इन द लीडर्स. इंद्रिया जयस्य मूलम विनय, फॉर दैट यू नीड ह्यूमिलिटी. यू कैन नॉट हैव एरोगेंट पीपल हैविंग कंट्रोल ओवर देयर स्पेसिफिक इंद्रीज, दैट मीन्स इंटरनल ऑल द सेंस ऑर्गन्स. एंड विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, दैट मीन्स द एजेड हैव टू बी सर्व. ये है इंडियन फिलॉसफी. दुनिया में कोई मुकाबला कर सकता है इसका? मुझे तो नहीं लगता. अगला देखिए, अवॉइड वॉर. क्या कहते हैं कौटिल्य? वन कैन लूज वॉर एज इजीली एज वन कैन विन. ये जो मार खाई थी ना धनानंद पे पहला हमला करके, समझ में आ गया था. वॉर इज इनहेरेंटली अनप्रिडिक्टेबल. कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं युद्ध जीत जाऊंगा. वॉर इज ऑल्सो एक्सपेंसिव. अवॉइड वॉर. Try upay, 4 strategies, then sadagunya, 6 forms of non-war pressure. Understand the opponent and seek to outwit him. When everything fails, resort to military force. समझ में आ रहा है आपको? कितना कितना ज्ञान का एक भंडार यहाँ मिल रहा है. क्राइम एंड पनिशमेंट पे इसी तरह उन्होंने कहा, ये भी आप देखिए, इसको भी आप पढ़िए. और टैक्स कलेक्शन एंड राइप फ्रूट्स. केवल उतना टैक्स कलेक्ट करो कि लोग विद्रोह में ना खड़े हो जाएं. यदि इतना टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया कि लोग विद्रोह में खड़े हो गए, आपका खेल खत्म है. एज वन प्लक्स वन राइप फ्रूट फ्रॉम अ गार्डन, सो शुड द किंग फ्रॉम हिज किंगडम. पके हुए फलों को ही तोड़ना चाहिए. कच्चे को तोड़ोगे तो जिसके कच्चे फल टूटे हैं वो तलवार लेके आपको मार जाएगा, भले ही आप राजा हो. अमेजिंग. मृत्यु कैसे हुई? कौटिल्य के मृत्यु के बारे में अलग अलग रोचक कथाएं हैं. पहली कहती है, चंद्रगुप्त साहब तो बन गए जैन मंक, सारे कपड़े उतार दिए, जैन साधु बन गए. तब जैन धर्म बड़ा मजबूत होता था भाई. और वो दक्षिण भारत में चले गए अपने शिक्षक भद्रबाहु के साथ में. कौटिल्य पीछे रह गए, तो ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर फॉर द सन बिंदुसार. और आपको पता ही है, एक कहानी कहती है कि अपनी नेचुरल डेथ इन्होंने प्राप्त की और स्टार्वेशन में चले गए और अपना शरीर त्याग दिया. दूसरी कहानी ये कहती कि बिंदुसार ने उन पर शक किया, इसलिए वो स्टार्वेशन में चले गए और उनकी मौत हो गई. तीसरा कहता है कि बिंदुसार के ही मंत्री सुबंधु ने
चालबाजी करके इनको जला के मार डाला, और फिर चाणक्य ने बाद में बदला ले लिया। एक डब्बे में पॉइजनस गैस थी और उस डब्बे का लालच देते रहते थे, उसको सुबंधु ने खोला और वो जहरीली गैस से मर गया। कहते हैं चाणक्य हमेशा जहर की छोटी छोटी बूंदें चंद्रगुप्त मौर्य को पिलाता रहता था खाने में डालकर, जिससे विष के प्रति चंद्रगुप्त का शरीर इम्यून हो जाए। बिंदुसार को यह बात पता नहीं थी, और उसकी वजह से जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई, बिंदुसार की माता जी की, वो कहानी जब मंत्रियों ने बिंदुसार को बताई तो उसे लगा कि चाणक्य ने जानबूझ के मारा है और वो बदला लेने पे उतर। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, वन वुड नेवर नो व्हाट द ट्रूथ वाज, बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज मौर्य डायनेस्टी वॉज, कौटिल्य वॉज एंड अर्थशास्त्र वॉज एंड इज रिमेन्स द बेस्ट ट्रीटीज इन द वर्ल्ड ऑन द आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। आज के सत्र में इतना ही, आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइए, और आप तुरंत कॉमेंट थ्रेड में इसकी समरी पूरी दीजिए। हम अगले सत्र में भारत के अगले महान विचारक पर चर्चा करेंगे, गेस कीजिए वो कौन हो सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद।